बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर सियासी पर्यटन का केंद्र बन गया है और मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के बाद गुजरात कांग्रेस के भी विधायक जयपुर पहुंचे हैं और दिल्ली रोड स्थित शिव विलास होटल में ठहरे हुए हैं। गुजरात कांग्रेस के विधायक राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में ठहरे हैं और 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है, लिहाजा तोड़फोड़ या फिर क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर शिफ्ट कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के 5 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भी सौंप दिया है। ज्यादा तोड़फोड़ ना हो इसके लिए गुजरात कांग्रेस के और 22 विधायक जयपुर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस के विधायक जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर को मजबूत और सुरक्षित किला माना जाता है और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधायकों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। जब जब गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी गई है तब मुख्यमंत्री खड़े उतरे हैं और कई बार सियासी संकट भी दूर हुआ है। एक बार फिर गहलोत को विधायकों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। गुजरात के एमएलएज आए हैं, कुछ आए हैं, कुछ और आएंगे। हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के एमएलए आए हों, चाहे मध्य प्रदेश के आए हों और चाहे अब गुजरात के आए हों, किसी तरीके की बाड़ा बंदी नहीं, सबके टेलीफोन ऑन है, किसी तरीके की बंदिश नहीं है। वो जिनसे मिलना चाहे मिलें, वो जिनके साथ जाना चाहें जाएँ, हमारा काम यह है कि वो आए हैं तो उनके यहाँ किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो। आज जिस तरीके का देश में माहौल बना है उससे पूरे देश में असुरक्षा का माहौल हो गया है। तानाशाही पूर्ण तरीके से काम करके देश के लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। हम तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी अगर आए तो हम तो उनका भी स्वागत करेंगे, आइए और उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के कोई बाड़ाबंदी नहीं है, किसी तरीके का कोई राजनीतिक टूरिज्म वाली बात नहीं है। जो आए हैं उनका स्वागत है, राजस्थान की परम्परा, जयपुर की परम्परा।